तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के वन यू आई 4.0 का जिन मोबाइल में अपडेट आ चुका है उसके अंदर के आपको मैं कुछ नए फीचर्स बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं टॉप के वन यू आई 4.0 के फीचर या बेस्ट फीचर आपको बताने वाला हूँ। ये फीचर आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे यूज करना है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे सैमसंग रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और साथ में नोटिफिकेशन आइकन का भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो अपडेट बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं सैमसंग के A52 5G वाले मॉडल पे जो कि आया है। यहां पर जो सबसे पहला जो अपडेट है वो है कलर्स को लेके, या बोल सकते हैं कलर पैलेट को लेके। यहां पर आप कह सकते हैं या फिर कलर्स कस्टमाइज करते हैं। यहां पर आप होने के वाला है जो भी अगर आप वॉलपेपर सेट करेंगे आप उसके हिसाब से उसका कलर आपको वहां पर मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन के लिए यहां पर जाना है आपको वॉलपेपर पे। वॉलपेपर जाने के बाद आपको यहां पर मिलेगा कलर पैलेट्स। अब यहां पर क्या होगा उसके हिसाब से आपकी थीम बन जाएगी, या बोल सकते हैं थीम का कलर आपका सेट हो जाएगा आपके वॉलपेपर के हिसाब से। और आपको यहां पर कस्टमाइज करने की और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई दूसरा वॉलपेपर लगाएंगे, जैसे मैंने ये वॉलपेपर लगाया, अगर मैं कोई वॉलपेपर चेंज करता हूं, अगर मैं अभी वॉलपेपर चेंज करता हूं तो वहां पर देखेंगे आपको कलर वॉलेट का आपको अलग ऑप्शन मिल जाएगा। ये जैसे मैंने सेट करा तो अब आपको यहां पर अलग ऑप्शन मिल रहा है सेट एज कलर पैलेट। तो ये सेट एज कलर पैलेट हो गया है ऑटोमेटिक, उसके हिसाब से ये कलर सेट कर लेगा जैसे कि वॉलपेपर में होगा उसके हिसाब से थीम को क्रिएट कर लेगा। और साथ में आपको यहां पर एक अलग ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई पैलेट्स ऑन ऐप आइकन, तो ये वहां पर भी आपका वर्क करेंगे। तो सबसे बड़ा चेंजेस, तो सबसे पहला चेंजेस तो यही है कि थीम के हिसाब से आपका वहां पर थीम के हिसाब से आपका कलर वहां पर सेट हो जाएगा, जो कि मुझे अच्छा लगा। उसके जो सेकंड जो बताने वाला हूँ वो है बहुत ही शानदार फीचर, वो है डिस्प्ले को लेकर। डिस्प्ले के आप ब्राइटनेस को सेट करते थे वन यू आई 3 में तो उतना ज्यादा वो कूल नहीं था, बट यहाँ पर अब आपको बहुत अच्छा कर दिया गया जब भी आप यू करेंगे, और आपको वहां पर बहुत अच्छे से ये वर्किंग करता है, बहुत स्मूथली ये वर्क करता है। तो सेकंड अपडेट या सेकंड फीचर ये था। जो थर्ड बताने वाला हूं दोस्तों वो है कैमरा को लेके। जब भी आप वहां पर पहले कैमरा ओपन करते थे वहां पर आपको जूम के जो ऑप्शन मिलते थे वहां जूम पे परसेंट नहीं लिख, जूम का जो एक्चुअल जूम नंबर नहीं लिखा होता है कितना मेगापिक्सल जूम हो रहा है, बट अब यहां पर आपको मेगापिक्सल जूम का ऑप्शन मिलने लगा है कि कितना मेगापिक्सल आप जूम कर रहे हैं, वो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्टिंग में अगर आप ऑन करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूं वो है आपका एक्स्ट्रा ड्रिम के ऊपर। यहाँ पर बैटरी को या भी बोल सकते हैं ब्राइटनेस को बढ़ाने के, अगर आप कभी लाइट में यूज करते हैं मोबाइल तो आपके लिए ये वाला फीचर बहुत काम का आने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, जब भी अगर आप ब्राइटनेस को डिम कर देंगे तो आपको एक और आपका ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा ड्रिम करके, तो इससे क्या होगा और डिम हो जाएगा जिससे आपकी जो आईज है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट होंगी, मतलब आपके जो आंखों पे असर नहीं होगा अगर आप नाइट में मोबाइल यूज करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत शानदार दिया गया है। एक तो डिम हो जाएगा, उसके बाद आप एक्स्ट्रा डिम भी कर सकते हैं। अगर आपको ये फीचर नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ का ही मिल जाएगा, आपको उठा के उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो भी बहुत कमाल का। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे अगर आपने कभी आईफोन यूज करा हो तो वहां पर क्या होता है, अगर आप कोई सी भी iOS 15 में कोई सा भी अगर आप कोई चीज यूज करते हैं तो वहां पर आपको ऊपर बता देता है कि भैया आप मोबाइल का आप कैमरा यूज कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने ऑफिशियली कैमरा ऐप खोली है, वो कैमरा एक्सेस कर रहा है तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन दे रहा है। ऐसे ही अगर कहीं माइक एक्सेस हो रहा होगा तो भी आपको वहां नोटिफिकेशन देगा परमिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कि भैया आपका ये वाला चीज यहाँ पर कहीं भी यूज हो रही है। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है डार्क मोड को लेके, बहुत अच्छा ऑप्शन कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो कलर कंट्रास्ट और जो एप्स के जो आइकन दिख रहे हैं आपको कैसे दिख रहे होंगे। अब अगर मैं यहां से इसको करूंगा थीम को, जो वन यू आई 3 में बहुत अलग थी और यहाँ पर आपको बहुत अलग ऑप्शन मिलने वाला है। जैसे ये अप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पर ये भी आपके डिम हो जाएंगे, एप्स के जो आइकन है आप देख रहे हैं ये भी एक्स्ट्रा आपके जो ब्राइटनेस है उसके थीम के हिसाब से, या भी बोल सकते हैं डार्क मोड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये फीचर भी यहाँ पर बहुत कमाल का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जब भी अगर आप वन यू आई 3 में एच पैनल को ओपन करते थे, जो नेक्स्ट फीचर है, तो वहां पर क्या होता था, जब भी अगर आप एच पैनल को ओपन करते थे तो यहाँ पर साइड में पूरा ब्लर हो जाता था, बट अब इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपका जो वर्किंग कर रहे हैं आप वर्किंग कर सकते हैं, वो ब्लर नहीं होगा आपको और यहाँ पर एच पैनल इजिली ओपन हो जाएगा। तो यह भी एक अच्छा अपडेट दिया गया है। मैं इसको यहां से कर लेता हूँ नॉर्मल।
उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है बैटरी से रिलेटेड। यहाँ पर अब क्या है दोस्तों, बैटरी को सेव करने के लिए वहां पर उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया गया आपको डिवाइस सेटिंग में, डिवाइस एंड केयर में। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाना है आपको डिवाइस एंड केयर में, बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद आपको जाना है मोर बैटरी सेटिंग में। आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया प्रोटेक्ट बैटरी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप इसको क्लिक कर देंगे इससे होगा कि आपका मोबाइल जितना देर भी चार्ज पे लगा है वो 85% से ऊपर नहीं जाएगा, उससे आपकी मोबाइल की बैटरी और मतलब और बहुत टाइम तक चलेगी, जल्दी खराब नहीं होगी। तो ये उसके लिए ये ऑप्शन दे दिया गया है ताकि आपका जो बैटरी है वो खराब ना हो और आपकी जो बैटरी अच्छे से वहां पर चलती रहे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है टू एक्सटेंड द लाइफ स्पैन योर बैटरी लिमिट द मैक्सिमम चार्ज टू 85%। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसको ऑफ कर देंगे, वो 100% वहां पर चार्ज हो जाएगा। तो ये फीचर भी यहाँ पर अच्छा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो है विजार्ड्स के ऊपर। अगर आपने वहां पर पहले वाले वन यू थ्री में विजार्ड्स को देखा होगा तो वहां पर कैसा रहता था, वहां पर अगर आपको विजार्ड चेंज करने होते थे तो आपको यहां से ऐसे स्वाइप करते थे तब आपको विजार्ड चेंज का ऑप्शन मिलते थे और सारे विजार्ड्स आपको ढूंढने पड़ते थे। बट अब आपको यहां पर बहुत इजीली कर दिया गया है, आपको सब यहां पर मिल जाएंगे और सारे एप्स के जो भी विजार्ड सपोर्ट करते हैं उसको अल्फाबेटी वाइज अरेंज कर दिया गया है और आप इजीली यहां पर फाइंड करके कोई से भी विजार्ड्स को अपने वहां पर लगा सकते हैं। लाइक किसी को भी लगाना है आपको यहां सारे विजार्ड्स मिल जाएंगे, आपको उस पर क्लिक करना है और वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये फीचर भी यहाँ पर बहुत शानदार कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ, जो नेक्स्ट चेंजेस जो मुझे लगा है वो है फाइल मैनेजर के ऊपर। अगर आप फाइल मैनेजर पे जाएंगे तो वहां पर अब आपको बहुत शानदार ऑप्शंस मिलने वाले का। तो आप जब भी फाइल मैनेजर खोलेंगे तो ऊपर आपको लेटेस्ट आपकी जो भी आपने रिसेंट फाइल करी होगी बकायदा उसमें टाइम वाइज आपको दिख रहा होगा, 20 मिनट पहले, 1 आवर्स पहले। तो आपको सब यहां पर इजीली अरेंज हो गया है, आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्ले भी अच्छा, वहां पर थंबनेल भी अच्छे कर दिए गए। और साथ में अगर आप यहां पर जाएंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा एडिट माई फाइल होम्स, तो आप यहां पर एडिट भी कर सकते हैं माइल फाइल्स को, आपको जिसको भी ऊपर नीचे करना है तो आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये फीचर भी यहां पर अच्छा खासा दे दिया गया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट बताने वाला हूं दोस्तों वो है सैमसंग कीबोर्ड को लेके। अगर आप सैमसंग कीबोर्ड में जाएंगे तो आपको यहां पर अलग से बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब आपको यहां पर आप देख रहे हैं ये बहुत सारे आपको GF क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर अपना खुद का बिटमॉइज, ये तो पहले ही दिए गए थे। अब यहां पर जो मेन दिया गया है इमोजेस के वाले ऑप्शन दे दिए गए, आप देख रहे हैं इमोजेस यहां पर आपको एनिमेशन वाले इमोजेस मिल रहे हैं। और साथ में अगर कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप यहां पर, आप देखेंगे आपको दो कस्टमाइज करने हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और आपको यहां पर डिफरेंट डिफरेंट उसके मॉड्यूल दिए गए, जैसे मर्जी आपको कस्टमाइज करना है आप कस्टमाइज कर लीजिए और उसको आप यहां से डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहां पर नया दे दिया गया है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको नए फीचर बताए ये लेटेस्ट वन यू आई 4.0 में मुझे लगे। इसके अलावा भी बहुत सारे नए फीचर्स हैं जिसके लिए मैं आगे बहुत सारे वीडियोस भी बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मेरे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।